बहुत सारे मौके खोलने का काम। सुलिस स्कूल में शिक्षकों की संख्या में 94% बढ़ोतरी हुई है। लगभग जो पहले 6354 शिक्षक थे, ध्यान से सुनना, 6354 शिक्षक थे, बढ़कर 2020 में 12367 शिक्षक रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कानून और व्यवस्था में भी ढेर सारे काम किए। अभी बताया गांवकर जी ने FSL यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोलने का काम, मैं ही आया था और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। पढ़े लिखे बच्चों को, देश भर में गोवा के पढ़े लिखे बच्चों को इससे रोजगार मिलने वाला है। पुलिस की संख्या 50% बढ़ा दी है। थानों की संख्या में 25 नए थाने बनाए हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रमोद सावंत सरकार का कि अपराध की दर में 50% की कटौती, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिगंबर कामत जी जरा पूछे, गोवा के सांस्कृतिक जितने भी धरोहर थी, नरवेमो में सप्त कोटेश्वर मंदिर, काबो दे रामा का किला, खोरजुए किला, चापोरा किला, एलोना फोर्ट और लोरिस चर्च, इस सब का पुनरुद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने गोवा के विकास के लिए कार्य योजना बना दी। यहाँ विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है भैया, एक पार्टी नई नई आई है, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम फला देंगे, हम टिका देंगे, ठीक है, अच्छा है, वो कहते नहीं है, वरना कहेंगे कि हर घर का रूफटॉप हम सोने का बनाकर दे देंगे। कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? वो कर सकते हैं क्योंकि उनको सिर्फ वादा ही करना है, बाद में चले जाना है। वादा करने में क्यों कोई कंजूसाई करेगा बताओ भाई? करेगा कंजूसाई? कंजूसाई तो वो करेगा, सोच विचार कर वो बोलेगा जो करना चाहता है। हमने इतने सालों तक नहीं कहा, जब सुप्रीम कोर्ट के माइनिंग के ऑर्डर का पूरा अभ्यास हो गया, 4 बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए, मैं और हमारे माइन मंत्री प्रहलाद जोशी जी कई बार बैठे, अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को बिठाया, इसका रास्ता निकला। इसके लिए भारत सरकार ने स्पेशल डंपिंग पॉलिसी बनाई और वो डंपिंग पॉलिसी के बाद अब मिनरल कॉरपोरेशन बनाने का काम चुनाव के पहले ही प्रमोद जी ने पूरा किया है। मैं कहकर चाहता हूं चुनाव के बाद पारदर्शी नीलामी के जरिए गोवा की माइनिंग इंडस्ट्री 2 गुना जोश के साथ काम करना शुरू कर। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती। मित्रों आप सभी लोग बताओ मुझे, हमारा कश्मीर भारत का हिस्सा हो या ना हो, आप क्या चाहते हैं? हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 कश्मीर से हमसे एक प्रकार से अलग कर रखती थी, जुड़ाव नहीं था, परमानेंट जुड़ाव नहीं था। आपने मोदी जी को दूसरी बार वोट दिए, किसी को कल्पना थी कि धारा 370 चली जाएगी? कल्पना थी भाई? बताओ, आपने आंदोलन किया था क्या? इसके लिए आपने धरने प्रदर्शन किए थे? मोदी जी की दोबारा सरकार बनाई आपने और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर हमेशा के लिए भारत की सुरक्षा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर लिया। लोहे जैसे इरादे से देश की सीमाओं को सुरक्षित करके नरेंद्र मोदी जी बैठे। कामत जी, आपकी पार्टी की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, क्या होता था? पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर चले जाते थे और कुछ नहीं। मोदी जी के समय में उरी और पुलवामा में उन्होंने हिमाकत करी, नरेंद्र भाई ने 10 ही दिन के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान आतंकवादियों का खात्मा करने का काम किया।
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक डबल इंजन की सरकार के लिए आपके पास आशीर्वाद मांगने आए। अस्थिरता से गोवा का भला नहीं होगा। मुझे बताओ, आप पार्टियां सरकार बना सकती है क्या? वोट ले जाएगी? ज्यादा से ज्यादा एक आधा एमएलए चुनकर आए तो आए, वरना भगवान जाने। कर सकते हैं क्या सरकार? 20 पार कर सकते हैं? टीएमसी कर सकती है? ये सारी पार्टियां अस्थिरता। हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि 2022 में 22 सीटों के साथ, 22 से ज्यादा सीटों के साथ एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नीचे प्रमोद सावंत की सरकार बना दीजिए। गोवा का जो विकास का काम आगे बढ़ा है, अब गोवा को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया अगले 5 साल में हम पूरी करना चाहते हैं। इससे भी आपका आशीर्वाद चाहिए। छोटा सा खूबसूरत प्रदेश है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का नक्शा लेकर बैठो तो गोवा शायद दिखाई भी नहीं पड़े, मगर गोवा का अपना एक महत्व है, इसकी संस्कृति है, इसका इतिहास है। जैसे एक खूबसूरत बच्ची के भाल पर छोटी सी एक बिंदिया लगा दो तो उसका चेहरा कितना सुंदर लगता है, इस प्रकार से भारत माँ के भाल पर गोवा एक बिंदिया, इसको हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इसको गोल्डन गोवा में परिवर्तित करना चाहते हैं, इसको समृद्ध बनाना चाहते हैं, इसको सलामत बनाना चाहते हैं। मित्रों, इसलिए हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज गांवकर साहब के लिए मैं प्रचार करने आया हूँ। मेरे साथ प्रचंड ध्वनि से भारत माता की जय बोलकर यहाँ आ जाओ गांवकर जी, यहाँ आ जाओ। प्रचंड ध्वनि से गांवकर जी के लिए दो हाथ ऊपर उठाकर भारत माता का जयकारा लगाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। सारा आई बिकेम दिस सारा, मेरे अपने रीजन थे। यू हैव योर्स। हे कृष्ण, मैराथन।